वेबिनार कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग वैदिक कालीन देवी देवता। ये अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, आप मेरे साथ देखते चलो, आपको याद हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इधर कितना पढ़ना है अपन को, 17। ठीक है, एक एक से देखते हैं। केंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का नेता, वर्षा का देवता। देखो इसकी ट्रिक क्या समझ में आपको, जैसे इतिहास अपन आगे पढ़ेंगे तो इतिहास में एक वंश आता है उसका नाम है आयुध वंश, उसमें एक शासक होता है इंद्रायुध। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, केंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। ठीक है, अग्नि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ, अग्निदेव कौन है, मनुष्य देवता के बीच मध्यस्थ। आप देखते होंगे कि अगर कोई मनुष्य अग्नि में प्रवेश करेगा, जब शांत होते हैं तो पंच तत्व में विलीन करते हैं, तो अग्नि में प्रवेश करते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं, देवता के पास। देखो यहां पर भी अग्नि क्या दिखा रहे हैं कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमि। क्लियर है, आगे चलते हैं। मारुति आंधी एवं तूफान का देवता, आंधी एवं तूफान का देवता। अब देखो आप मारुति गाड़ी समझना, मारुति क्या समझना, गाड़ी। आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, बहुत सारी स्पीड ले ली और एकदम से गाड़ी चलेगी तो पीछे से क्या उड़ेगा, तूफान, आंधी एवं तूफान का देवता। उसे उषा, उसे उत्थान एवं प्रगति की देवी, उत्थान एवं प्रगति की देवी। सोम, आप कह रहे हो जैसे बोले हम सोमवार को वनस्पति खाते हैं तो वनस्पतियों का देवता। सोम क्या है, वनस्पतियों का देवता। देखो पूषण, आप जानते हो पूषण में अगर पढ़ोगे तो चार भी आ रहा है, पूषण पशु, पशुओं का। ठीक है, आगे विष्णु, आप देख रहे हो विष्णु, वैसे विष्णु वैसे ही विश्व का संरक्षक, नाम से स्पष्ट है विश्व का। अश्विन बोला विश्व का संरक्षण तो हो गया, बोले अश्विन जी विपत्तियों को हर लो, विपत्तियों को हरने वाले। ठीक है, आगे त्वक्षा, त्वक्षा बोले जैसे साइंस में टॉपिक आता है धातु, बोले धातु समझने में बहुत दिक्कत होती है, बोले त्वक्षा नाम से ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो सकता है, तो समझने में किसको कठिनाई पड़ती थी, धातु, धातुओं के देवता, धातुओं के। सूर्य, जैसे आपने महाभारत में देखा होगा सूर्य पुत्र कर्ण, मतलब कर्ण को जीवन किन्होंने दिया, सूर्य ने, तो जीवन देने वाले देवता। ठीक है, आगे देखते हो यम, अगर आपने देखा होगा पहले एक शो भी आता था यम है हम, तो क्या रहा यम, मृत्यु का देवता, यमराज मृत्यु का देवता। आज को ऐसे समझना है जैसे आस, बोले आर मंदिर जा रहे हैं विवाह के लिए, आस विवाह का देवता, विवाह का। मित्र, मित्र जब आप दोस्ती करते हैं तो एक संधि करते हैं कि हम दोस्ती निभाएंगे, संधि एवं प्रतिज्ञा का देवता। अरण्य यानी जंगल होता है, जंगल की देवी, जंगल की। अब जंगल के लिए किसकी जरूरत होती है, वर्षा, पर्सन वर्षा का देवता, वर्षा का देवता। वरुण समुद्र का देवता, वर्षा का जल कहां जाता है, समुद्र में, वरुण समुद्र का देवता। घो आकाश का देवता, घो किसका देवता है, आकाश का देवता। दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको ट्रिक से पढ़ा है, आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।